सो वेलकम स्टूडेंट्स इन द वेरी नेक्स्ट सेशन ऑफ आपके IBPS RRB रीजनिंग डे 4th। तो हमने हाल ही में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए 3 दिन तक लगातार, जिसमें हमने आपका ब्लड रिलेशन डिस्कस किया था, फिर हमने आपका सिटिंग रेजिमेंट का क्वेश्चन डिस्कस किया था, फिर पजल का किया था। आज आपका डे 4th है और आज हम डिस्कस करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज का। अल्फा न्यूमेरिक आमतौर पर आपको बुक में देखने को मिलेगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसमें आपके अल्फाबेट्स का यूज होता है और नंबर्स का यूज है, मतलब कंबाइन में आते हैं क्वेश्चंस। लेकिन आपके IBPS या जितने भी बैंकिंग के एग्जाम्स रहते हैं उनमें आपके अल्फा न्यूमेरिक प्लस सिंबल्स, तो उनमें सीरीज में आपको सिंबल्स भी देखने को मिलते हैं। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं और जो चीज़ आपकी बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट होगी वो आपको मैं साथ साथ में बताते जाऊँगा। ठीक, इसको क्या हो गया? ठीक, चलो करते हैं शुरू। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको कुछ मैं पॉइंट्स क्लियर करा देता हूँ, जिनसे आपकी लगभग आधी अल्फा न्यूमेरिक जो सिंबॉलिक सीरीज है वो कंप्लीट हो ही गई समझो, क्योंकि लगातार एक ही सीरीज वो आपको देंगे उसी के ऊपर 4 या 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो 5 नंबर आपके यहीं से आ जाएंगे। देखो, एक होता है आपका वर्ड प्रीसीडेड बाय, और एक आपका होता है फॉलोड बाय। ये आपको आपके पूरे इस सीरीज के चैप्टर में देखने को मिलता ही है, और आमतौर पर भी जो आपके क्वेश्चंस इन फ्यूचर पेपर में पूछे जाएंगे उनमें भी ये चीज आएगी। ठीक है, पर सीडेड बाय का मतलब होता है आपका ठीक पहले। जो ये चीज समझ गया उसके समझ लो कि 80% क्वेश्चन उसके सॉल्व हो चुके हैं। और फॉलोड बाय का मतलब होता है ठीक बाद में। जिनको ये चीज नहीं समझ आएगी कि ठीक पहले या ठीक बाद में, किस तरह से मैं कह रहा हूं तो वो देख लो। आप ये समझ सकते हो, सपोज मुझे कोई सीरीज दी है या कोई वर्ड दिया, चैम, ठीक है। ठीक पहले का मतलब इमीडिएट आपका लेफ्ट, और ठीक बाद का मतलब हो गया आपका इमीडिएट राइट। ठीक है, क्वेश्चन रहता किस तरह से, अगर मैं ये बोलूं आपको कि विच लेटर, क्योंकि यहां पर सिर्फ मैंने लेटर्स का यूज किया, विच लेटर इज प्रीसीडेड बाय एम। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चंस तो बाद में, पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, ये विच लेटर इज प्रीसीडेड बाय M। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ऐसा कौन सा लेटर होगा जो ठीक पहले किसे दिखेगा मुझे, M से। तो मैं चेक करूंगा अपनी सीरीज में, ये रहा आपका M, तो ठीक पहले M से ठीक पहले आपका कौन सा लेटर आ रहा है, A। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, A। यहीं पे अगर मैं ये बोलता विच लेटर इज फॉलोड बाय M, तो मतलब ऐसा कौन सा लेटर है जो ठीक बाद में किसके है, एम के, तो वो तब कौन सा होता, पी। क्लियर, तो अगर वो बोलेगा प्रीसीडेड बाय, तो मतलब मुझे उस लेटर से ठीक पहले देखना है कि कौन सा लेटर दिया गया। तो जैसे पूछा था प्रीसीडेड बाय एम, तो एम से ठीक पहले, इमीडिएट पहले कौन सा है, ए। सेम वे में फॉलोड बाय एम होता तो मतलब एम के ठीक बाद में, तो वो कौन सा है, पी। अब क्वेश्चन आगे और किस तरह से आएंगे तो हम देख सकते हो, वो आपको बीच में नंबर्स दे देगा, साथ में कुछ डिजिट्स या वही सिंबल्स दे सकता है, तो वो उनको लेके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस सिंबल से प्रीसीडेड बाय या फॉलोड बाय। अच्छा, जिनको ये इमीडिएट लेफ्ट या राइट का कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं, तो वो समझ लो आपके पास ये सीरीज है, आपको अपने बेसिक मानना है आपका लेफ्ट कौन सा है, ये वाला साइड लेफ्ट हैंड साइड, और ये कौन सी आपकी राइट। तो मैंने बोला प्रीसीडेड बाय का मतलब होता है ठीक पहले या इमीडिएट लेफ्ट, तो प्रीसीडेड बाय एम उसके ठीक पहले हिंदी में, और इंग्लिश में इमीडिएट लेफ्ट, तो एम का इमीडिएट लेफ्ट कौन सा है, ए। और फॉलोड बाय इमीडिएट राइट, तो ठीक बाद में, तो एम के ठीक बाद या इमीडिएट राइट पे कौन सा है, पी। तो होप सो कि ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि आपके जितने क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे आपकी सीरीज की लेंथ लंबी रहेगी, लेकिन वो 5 या 4 क्वेश्चन सेम सीरीज पे बेस होंगे। तो चलो देखते हैं। देखो, सीरीज उसने आपको दी है काफी लंबी चौड़ी, और पेपर में भी इतनी लंबी ही सीरीज देखने को मिलती है, और ये कोई मतलब आपका अलग से क्वेश्चन ही आपके प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, कि ये आई गेस 2018 का क्वेश्चन है, मेंशन करना टीम भूल गई है, पर ये 2018 का क्वेश्चन है।
उसने आपको एक अरेंजमेंट दी सीरीज की काफी लंबी, जिसमें मैं एक बार बोल देता हूँ जिनको अगर थोड़ा डाउट होगा कि ये क्या लिखा है। पी परसेंटेज है आर, अच्छा ये वन नहीं है, आई है, ठीक है कैपिटल आई है। फाइव एच एस्ट्रिक या स्टार कह लो, एम टी ई थ्री बी डॉलर फिर वी वी एन एन, फोर के ए एट डब्ल्यू अगेन आई, सिक्स टू जी हैश यू एच सेवन, अच्छा ये डॉट है। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे लगते शायद ऐसे ही है कुछ, या वो फिर वहाँ पर एग्जामिनर से पूछते हैं तो वो बोलते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं क्योंकि सीबीटी मोड पे टेस्ट हो रही है। तो ये डॉट ही है, जे क्यू नाइन एल और वाई, ठीक है। आपने रफ शीट पे एक ही बारी में ये पूरी की पूरी सीरीज को लिख लेना, बस एक ही बारी लिखोगे क्योंकि बार बार जब आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे बार बार आपको सीरीज दिखेगी, आप बार बार सीरीज को देखोगे और इतनी लेंथी सीरीज है तो कोई ना कोई बीच में एलिमेंट मिस हो जाता है, तो आपको एक ही बार में अच्छे से रफ शीट पे वो सीरीज उतार देनी है। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच वॉवल्स, तो मुझे ऐसे वॉवल्स चाहिए आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एक कॉन्सोनेंट, मतलब ऐसे वॉवल्स जिनसे ठीक पहले एक क्या दिखना चाहिए कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर। तो देखो क्वेश्चन इजी कैसे होगा, आपको क्या चाहिए ऐसे वॉवल्स। अब ये तो कोई बच्चा बोल रहा नहीं कि वॉवल्स कौन से होते हैं कमेंट्स में, क्योंकि अगर ये नहीं पता तो फिर तो तुम लोगों को फॉर्म भरने की भी नीड नहीं थी, तो पहले जाके वॉवल्स सीख लो। ए ई आई ओ यू, अगर गोलमाल फिल्म देखी है तो तुषार कपूर यही बोलता है उसमें। अच्छा ऐसे वॉवल्स जिनसे ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट हो, प्रीसीडेड बाय का मतलब यही है, ठीक है, और ठीक बाद में मेरे पास एक नंबर चाहिए यहां पर। अब बच्चे क्या करते हैं एक एक को चेक करते हैं, तो आपको एक एक को चेक करने की नीड नहीं है, जहां जहां पर वॉवल्स है सिर्फ उनको देखो क्या उनसे ठीक पहले कॉन्सोनेंट है और बाद में वॉवल है, ओ सॉरी नंबर है, अगर है तो टिक, मतलब यहां पर मैं ऑप्शन दे दूंगा कि ऐसे कितने हैं, नन वन टू थ्री फोर कितने हैं, ठीक है चलो करते हैं चेक। तो वॉवल्स, क्या पी मेरा वॉवल है, नहीं मैं सिर्फ वॉवल्स को पकड़ूंगा जिनमें आई मेरा क्या वॉवल है, तो मेरा आई वॉवल है, ठीक है उससे ठीक पहले क्या एक कॉन्सोनेंट है आर, हाँ, और ठीक बाद में क्या एक नंबर है, हाँ नंबर बोला है, और आगे के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं यहाँ पर वो नंबर के लिए आपको पॉसिबिलिटी दे देगा, हो सकता है यहाँ पर लिख दे बाय फॉलोड बाय ऑड नंबर या इवन नंबर, डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। चलो एक पेयर मिला, उसके बाद और कहाँ पर वॉवल है, ये इससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट ठीक बाद में एक नंबर ए, ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट ठीक बाद में एक नंबर आई, ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट ठीक बाद में एक नंबर यू, यू आपका वॉवल तो है लेकिन उसके ठीक पहले एक सिंबल है, मुझे चाहिए कॉन्सोनेंट सा, तो ये आपका पेयर में नहीं आएगा बस। तो मेरे पास कितने पेयर मिले मुझे, एक दो तीन चार, ऐसे कितने वॉवल्स हैं जिनसे ठीक पहले कॉन्सोनेंट और बाद में एक नंबर है, तो कितने होंगे सिर्फ चार, तो आपका ऑप्शन ई फोर। तो मुझे ऐसे कितने वॉवल्स मिले, उसने ये पूछा है कितने वॉवल्स होंगे जिनसे ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट होगा और ठीक बाद में एक नंबर होगा, तो वो कितने है चार, आपका आई हो गया ई हो गया ए हो गया और फिर से अगेन आई, यू नहीं है क्योंकि यू से ठीक पहले मेरे पास एक सिंबल है कॉन्सोनेंट नहीं है, बाहर है क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो फटाफट से सेम क्वेश्चन मतलब सेम सीरीज आपकी, और क्वेश्चन उसने इस बार चेंज कर दिया, इस बार आपको क्या चाहिए हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स, ऐसे कॉन्सोनेंट्स चाहिए, ठीक है विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल, कि उनसे ठीक पहले मुझे एक सिंबल दिखना चाहिए और इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन कि ऐसे कॉन्सोनेंट्स, तो जिन्होंने तो अभी इन सीरीज को नोट किया होगा और जो देख रहे हो उम्मीद करता हूँ मेरे से पहले उनका आंसर आना चाहिए और बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, ऐसे कॉन्सोनेंट्स जिनसे ठीक पहले सिंबल दिखेगा लेकिन उसी के ठीक बाद में क्या दिखना चाहिए कॉन्सोनेंट, तो चलो चेक करो। अच्छा मैं पी को नहीं कंसिडर करूंगा क्योंकि इससे पहले सिंबल या कुछ भी नहीं है तो पी आप नहीं ले सकते। आर, आर आपका कॉन्सोनेंट है, उससे ठीक पहले एक सिंबल है लेकिन क्या बाद में कॉन्सोनेंट है, आई दिया गया, उसने पर्टिकुलर मेंशन किया कि मुझे कॉन्सोनेंट ही दिखना चाहिए, अगर यहाँ पे लिखता फॉलोड बाय ए लेटर तो मैं आई को कंसिडर करता, बट उसने बोला कॉन्सोनेंट चाहिए वॉवल नहीं,
तो आपका ये यहाँ पर फेल हो गया। ठीक है, एच आपका कॉन्सोनेंट है लेकिन उससे ठीक पहले आपके पास सिंबल नहीं है, डिजिट आ रहा है, तो ये भी नहीं लोगे आप। एम, एम कॉन्सोनेंट है, ठीक पहले सिंबल है एस्ट्रिक और ठीक बाद में भी एक कॉन्सोनेंट है टी। एक बी, लेकिन बी से ठीक पहले सिंबल नहीं एक नंबर है। वी, ठीक पहले सिंबल और ठीक बाद में एक कॉन्सोनेंट, दो पेयर। के, लेकिन ठीक पहले नंबर आ रहा है, सिंबल चाहिए। उसके बाद डब्ल्यू, उससे पहले भी नंबर। जी, उससे पहले नंबर। यू कॉन्सोनेंट नहीं है, एच कॉन्सोनेंट है लेकिन उससे पहले आपका सिंबल नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है। जे, हाँ जे से ठीक पहले डॉट दिए तो डॉट आपका एक एज ए सिंबल ट्रीट किया जाएगा, और उसके ठीक बाद क्यू दिए तो क्यू भी आपका क्या एक कॉन्सोनेंट। उसके बाद आपका एल वाई, तो ये कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो आपके पास ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है जिनसे ठीक पहले एक आपके पास सिंबल दिख रहा है और बाद में भी क्या दिखेगा कॉन्सोनेंट, तो कितने हैं, एक दो और तीन, सिर्फ तीन। तो आपका ऑप्शन डी। ठीक, जल्दी से थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि नंबर सीरीज के या अल्फान्यूमेरिक सीरीज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें वो एक ऐसा एलिमेंट पूछेगा जिसकी राइट से पहले मैं पोजिशन देखूं और फिर से वो राइट के ही किसी दूसरे एलिमेंट के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब भी मेरे पास डायरेक्शंस सेम प्रोवाइड करेगा, डायरेक्शंस प्रोवाइडेड क्या होंगी सेम, तब वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी उनकी पोजीशंस। ठीक है, लिख लेना, अगर मेरे पास डायरेक्शंस हमेशा क्या होंगी सेम, तो उनकी पोजीशंस में होता है सब्ट्रैक्शन, या कह दो माइनस होता है। लेकिन अगर डायरेक्शंस डिफरेंट हो या अपोजिट हो, जैसे यहां पर दोनों राइट ही दी गई हैं और लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट होता तो उनमें एडिशन होती है पोजीशंस में। चलो पढ़ो, कह रहा है कौन सा एलिमेंट, एलिमेंट बोला है तो मतलब आपका सिंबल नंबर लेटर डिजिट कुछ भी हो सकता है, जो सेवंथ होगा राइट से। अच्छा, राइट कौन सा, ये कि ये वाला, ऐसा एलिमेंट चाहिए जो सेवंथ राइट से है और इलेवंथ है राइट एंड से, तो पोजीशन सेम, तो मैं उनकी क्या बोलते हैं डायरेक्शन सेम है राइट राइट, तो मैं पोजीशंस को करूंगा सब्ट्रैक्ट, सेवंथ दिया और इलेवंथ दिया, तो आप इलेवन में से सेवन को कर दोगे माइनस, तो कितना आ जाएगा फोर्थ। और मैं फोर्थ देखूंगा लेकिन कहां से, जिस सेंट से उसने बोला होगा, राइट एंड बोला है, तो मैं राइट एंड से फोर्थ एलिमेंट देखूंगा कौन सा, तो आपका वही आंसर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा क्यू। ठीक, सिर्फ डायरेक्शंस का ध्यान रखना, उसमें डायरेक्शंस सेम प्रोवाइड किए, इसमें भी राइट बोला है इसमें भी राइट एंड बोला है, पोजिशन अलग, डायरेक्शन अलग होती तो मैं पोजिशन को एड करता, लेकिन डायरेक्शन सेम होंगी तो उनकी पोजिशन को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम क्वेश्चन है फिर से, कह रहा है ऐसे कॉन्सोनेंट्स, ऑप्शंस नहीं दिए ताकि आप लोग ऑप्शंस कमेंट में दो, ऐसे कॉन्सोनेंट्स चाहिए जिनसे इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एक सिंबल। ठीक है, ठीक पहले एक सिंबल चाहिए। अच्छा, कह रहा है आपको ऐसे कितने कॉन्सोनेंट होंगे, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल, कि जिनसे ठीक पहले एक सिंबल दिखे, कब दिखे, इफ, अगर All the numbers are dropped. अगर सारे के सारे numbers मेरे drop कर दिए जाएं, मतलब delete या removed, क्योंकि paper में dropped word use करता है, आपका कई बार delete करता है या removed और eliminate. ठीक है, ऐसे मेरे पास कितने consonants दिखेंगे जिनसे ठीक पहले एक symbol होगा, कब, जब मैं सारे के सारे numbers को अपनी arrangement में से क्या कर दूं delete. तो अब मैं जो आपको कह रहा था कि आपको अपनी सीरीज लिख लेनी चाहिए, तो वो यहाँ पर आपके काम आएगी, क्योंकि शीट पर लिखी होगी तो आप डायरेक्ट उन चीजों को क्रॉस कर सकते हो। किसको ड्रॉप करना है, नंबर्स को, तो जहां जहां नंबर में उनको डिलीट कर दूंगा, तो मैं ये फाइव काट रहा हूं, ठीक है, थ्री काट दूंगा, आपका फोर, एट, सिक्स, टू, सेवन और नाइन, तो जितने नंबर से मैंने डिलीट कर दिए, अब मैं सिर्फ चेक इनको करूंगा कॉन्सोनेंट्स को, ऐसे कॉन्सोनेंट्स चाहिए जिनसे ठीक पहले मुझे एक सिंबल दिखना चाहिए, तो ड्रॉप की जगह आपको वर्ड दिखेंगे डिलीट, रिमूव्ड या एलिमिनेट। ठीक, चलो
देखो कॉन्सोनेंट्स कहां पर है। आर, क्या आर से ठीक पहले सिंबल है? पहला एच कॉन्सोनेंट है लेकिन पहले सिंबल नहीं है। एम आपका कॉन्सोनेंट है और ठीक पहले एक सिंबल है। वी आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक पहले एक सिंबल है। आपका यू एक नहीं, यू कॉन्सोनेंट नहीं, वोवल है, ठीक है। हाँ, जे आपका कॉन्सोनेंट और ठीक पहले एक सिंबल है। बस तो आपको कितने पेयर मिले हैं या कितने ऐसे कॉन्सोनेंट्स दिख रहे हैं? 1, 2, 3 और 4। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 4। ऐसे 4 कॉन्सोनेंट्स हैं जिनसे ठीक पहले मुझे सिंबल दिखेगा, लेकिन तब दिखेगा अगर मैं उनके बीच के सारे नंबर्स को एलिमिनेट, ड्रॉप या रिमूव कर दूंगा अपना गिवन सीरीज से। लास्ट क्वेश्चन होगा ये, कैसी है? हाँ, तो अब उसने आपको एक अरेंजमेंट दी है, ये इसलिए रखी ताकि आप देख सको कि उसने अरेंजमेंट में एक्चुअल में किया क्या। कह रहा है व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसने आपको एक सीरीज प्रोवाइड की। अच्छा, वो ये जो सीरीज दी है उसने आपको, जो आपका गिवन क्वेश्चन की सीरीज थी उसी में से एक पार्ट उठा के यहाँ पे रखा है, लेकिन लॉजिकली उसने किसी तरीके से इसको अरेंज करके रखा है। तो कह रहा है, और बीच में एक क्वेश्चन मार्क दे दिया, कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कौन करेगा इनमें से, ठीक। तो आपके पास अगर ये पहले की अब लिखी है, क्योंकि अगर नहीं लिखी होती, आप इस क्वेश्चन पे एग्जाम में जा रहे हो, तो ये तो वहां पर आपको ऐसे नहीं दिखेगा। ये मैंने खुद लिखी है ताकि आपको वो मुश्किल ना हो ढूंढने में, जिन्होंने अभी भी नहीं लिखी होगी तो देख सकते हैं, लेकिन पेपर में आपको ये चीज वहां पर नहीं दिखेगी, तो आपको खुद से पहले की लिख के रखनी पड़ेगी वहां पर। तो देखो चेंज क्या किया, 5 * t, ये 5 है, एक का गैप, फिर एस्ट्रिक, फिर एक का गैप और टी। तो मैं देख रहा हूं एक का गैप छोड़ के आ रहा है, इन तीनों में एक एक का गैप है, ठीक है। फिर $3 कहां पर है? 3। फिर एक का गैप है, 3, फिर गैप डॉलर, फिर गैप एन, मतलब एक एक का गैप। अब आगे क्या दिया उसने, एन के बाद के, तो देख लो एन के बाद वापिस एक का गैप है के, एक का गैप 8, एक का गैप आई, ठीक है। अब नेक्स्ट सीरीज क्या आएगी, मेरे पास आई के बाद एक का गैप लूंगा, मतलब 2 होना चाहिए, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है इसमें, क्या है? 2। 2 के बाद एक का गैप रखूंगा, जी का गैप जाएगा, क्या आएगा? हैश। हैश के बाद एक का गैप और एच, तो आपका आंसर आने वाला है 2 * h, आपका ऑप्शन ए, ये है आपका राइट आंसर। तो इसी तरह से आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं, जिनमें सिंबल्स भी होते हैं, आपके डिजिट्स भी होंगे या लेटर्स भी होंगे। किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, प्रसीडेड बाय या फॉलोड बाय के बेस पे, और ज्यादातर उन्हीं को यूज करके वो आपसे क्वेश्चन बनाता है। जो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं वो ये देख सकते हो आप, जैसे उसने सीरीज को क्या किया, तोड़ के रखा छोटा करके, चेंजेस क्या आए हैं बस वो देखना था। इससे पिछला क्वेश्चन जो था उसमें भी उसने प्रसीडेड बाय या फॉलोड बाय की ही बातें की हैं, लेकिन उसने क्या किया, बीच के कुछ एलिमेंट्स को रिमूव कर दिए या डिलीट कर दिया। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से। तो होप्स हो कि आपको ये जितने भी क्वेश्चन थे आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के, ये समझ आए होंगे। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अगर कहीं से भी वीडियो में लग रहा है कि मुझे ये पोर्शन समझ नहीं आया, तो आप रोक सकते हो वीडियो को, एक बार आराम से सीरीज को ध्यान से देखो, फिर से उसी पोर्शन पे देखो कि क्या बोला है, किस पॉइंट से आपको नहीं समझ आ रही, रिपीट में देखो, कोई पैसे थोड़ा लगेंगे, फ्री है, तो देखो और समझो। और अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों से। तो ऐसे ही और वीडियोज के लिए आप फॉलो कर सकते हो या सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।